उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही महिलाओं के सम्मान के लिए लाख कोशिश कर ले, लेकिन कुछ पुलिस कर्मियों की वजह से महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा। ऐसा ही मामला बहराइच जिले के प्रयागपुर थाना क्षेत्र के सेवा सामर दाखिला बनिया गांव का है, जहां पर एक लड़की के साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया, जिसका मुकदमा प्रयागपुर थाने में लिखा गया और मुकदमा के विवेचक ने पीड़ित से 10,000 रुपए लिए और काम भी नहीं किया और कोर्ट में अभी तक चार्जशीट भी नहीं दाखिल किया गया और फिर बलात्कार करने वाले युवक ने लड़की को अगवा कर लिया, जिसका भी मुकदमा प्रयागपुर थाने पर दर्ज है, लेकिन विवेचक अजय कांत द्विवेदी किसी भी मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे, इसलिए पीड़िता की मां लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं संबंध में जब थाना प्रभारी श्यामदेव चौधरी से बात की गई तो उन्होंने बताया मुकदमा दर्ज किया गया है, तलाश जारी है। कौन से थाने के रहने वाले हैं, क्या ग्राम पंचायत ग्राम सभा कौन सा है, क्या घटना घटी है? सेवा समाज के रहने वाले हैं, नाम है दद्दन, थाना प्रयागपुर पड़ता है, जिला बहराइच, पोस्ट मनकापुर पड़ता है। हमारे बिटिया के साथ बलात्कार किए, विकास हमारे विकास बलात्कार किए, बलात्कार करके फिर 28 तारीख को हम गए वहाँ थाने पे, रिपोर्ट लिखा, हमारा रिपोर्ट लिख गया, लिखने के बाद जो रिपोर्ट हम लिखाए वो फाड़ के फेंक दिए, अपनी मर्जी से रिपोर्ट लिखे, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या समस्या है आपकी? थाने पर गए, कुछ हमारा सुनवाई ना आई, बाबा 10,000 रुपया राजेश पांडे लिखिन, हमारा अप्लीकेशन ना लिखायन, हमारा अपने मर्जी से लिख दिन, हमारे नोच फाज सब बहाय दिन, थाने पर रुपया 10,000 हमारे लिखिन, उनसे रुपया लिहर है, हमारा कुछ सुनवाई ना आई बाबा। हमारे हमारी बिटिया का 12 तारीख रात में लेके विकास माली नान बाबू का लड़का लेके बापुन मिलकर लेके चला गए, निकाल ले गए और फिर हाजी नाय करावत हैं, हाजी नाय करावत हैं थाने पर, यहाँ मार डारिन कि हमारी बिटिया जिंदा है कि मार डारिन कि कहा कि ही नहीं। आप लोग नहीं चाहती हैं? अब हम अपनी बिटिया का चाहिए था, हमारी बिटिया हमारे ठाव आवे और उनके लड़का का यहाँ सजा हुआ, फांसी हुआ, सब कुछ हुआ।